ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಜಾಬೈ ಮಾಜಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖಂಡರು ಅವ್ರ ಜೊತೇಲಿ ಇವತ್ತು ಹಾರೈಸಿದ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೇಲಿ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಗಾಯಪುರದ ಮುಖಂಡರು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮುಜಾಯಿದ್ರು ಅವರ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ತಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಮುಜಾಯಿದ್ ಪಾಷಾ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಪರೇಟರ್ और कांग्रेस के सीनियर लीडर, उनका जन्मदिन है. मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से उनको बहुत मुबारकबादी देता हूँ, बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि उनके ज़िंदगी में सफलता और जीत हासिल हो, क्योंकि इस दौर से उन्होंने एक राजनीतिक कैरियर अपने जीवन में उन्होंने वक्त गुजारा है. हर इंसान का एक प्रोफेशनल होता है, जबकि एक सोशल एक्टिविटीज़ और सोशल वर्कर के रूप में कई सालों से उन्होंने एक बेंगलुरु शहर के अंदर काम किया है, और कॉपरेटर होके भी उन्होंने, काउंसलर होके भी उन्होंने बेंगलुरु शहर के अंदर काम करके लोगों को काफ़ी मदद की है, काफ़ी हेल्प की है. और आने वाले दिन में उन्हीं की सरकार बनी है. मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और हमारे पूरी दुआएँ और शुभकामनाएँ हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सफलता हो कि लोगों की खिदमत कर सके, लोगों के लिए जो है मदद कर सके और सबके साथ रह सके, यही मेरी उनके साथ दुआ है. और एक बार मैं मुजाहिद भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. आपकी उम्र बढ़े, आपकी सेहत अच्छी रहे, इम्पोर्टेंट सेहत है. सेहत अच्छी है तो सब चीज़ अच्छी हो सकती है. सेहत के लिए तो अल्लाह से दुआ करते हैं, और सब लोग, आप लोग भी दुआ कीजिए उनके सेहत के लिए, उनके काम के लिए. आज उनका मैं जन्मदिन मनाने के लिए उनके खुद घर आया हूँ मिलने के लिए, और बहुत बहुत उनको मुबारकबादी दें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सब मेरे दोस्त अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आज मेरा जन्मदिन विश करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए थे, और ख़ास करके उसके अंदर मेरे चाहने वाले मेरे दोस्त अहबाब भी ज़्यादा तादाद में थे. उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनसे मैं ये माफ़ी भी चाहता हूँ कि भाई थोड़ा उनको आगे पीछे हो गया रहेगा मेरे से मिलने में, और उनको खाने पीने की जो भी चीज़ें उनको सहूलियत में मुहैया करवाना था उसके अंदर थोड़ा मैं पीछे हुआ हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. और उन लोगों की चाहत और उनकी मोहब्बत का मैं सदा मैं मोहताज रहूँगा, और उनसे उम्मीद भी करता हूँ कि उनकी चाहत और उनकी मोहब्बत मेरे साथ कायम ऐसे ही रहे इंशाअल्लाह. आने वाले दिनों में मुझे भी उम्मीद है कि भी मैं इन लोगों का अगर मुझे साथ रहा तो मुझे भी सरकार की ओर से और हमारे ज़मीर अहमद खान साहब की ओर से कोई ना कोई एक ओहदा मिलेगा, और इंशाअल्लाह कौम की खिदमत करने के लिए और आगे बढ़कर खिदमत करने के लिए मुझे मौका मिलेगा. शुक्रिया. देखा गया था ज़मीर अहमद खान भी आए थे यहाँ पर, इस बार वो एक मंत्री भी हैं, वो यहाँ पर नहीं आए. नहीं, उनकी मसरूफ़ीत है, उन्होंने लखनऊ जाके हैं दरगाह को, और ख़ासकर मेरे लिए और पूरे कौम के लिए दुआ भी मांग कर आएँगे, मुझे ये उम्मीद है. और अगर वो इधर रहते तो ज़रूर आते, इसकी कोई दूसरी वजह नहीं है.